हेलो बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 की विज्ञान विषय के इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हमारा पाठ 8 चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। और इस पाठ में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियाँ। नामकरण की पद्धतियों में बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी सबसे पहले रोड़ पद्धति। रोड़ पद्धति में आपको ये बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है वो उनके प्राप्ति स्थान या यौगिकों के गुणों के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण भी हमने नोट किए थे और उनके सूत्र भी आपको लिखे थे, ठीक है। तो नामकरण की पद्धतियों में बच्चों तीन पद्धतियाँ आपको बताई थी, रोड़ पद्धति, वित्तमन पद्धति और तीसरी थी IUPAC पद्धति, ठीक है ना। हाँ बच्चों, एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि मैंने कमेंट्स पढ़े थे और वहाँ पर लिखा हुआ था कि कार्बन परमाणु की जो विशेषताएँ सर आपने पढ़ाई थी उसमें से पिछली लास्ट की जो दो विशेषताएँ वो हमारी समझ में नहीं आई। तो बच्चों, मैं आपके लिए कार्बन परमाणु के उन विशेषताओं को इस वीडियो में थोड़ी देर के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिर दोबारा उनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो बेटा, जो लास्ट की जो कार्बन परमाणु की विशेषता थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन परमाणु जो होता है वो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर जुड़ता है, ठीक है ना। देखो, चेक करो, एक कार्बन परमाणु किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ, किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाता है और दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जब वो बंध बनाता है तो वो किस किस प्रकार का बंध बना सकता है। तो देखो बेटा, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध से जुड़ सकता है, इसको बोलेंगे हम एकल बंध। और एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध से जुड़ सकता है, इसको बोलेंगे बेटा हम द्विबंध। और एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ त्रिबंध के साथ भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पर ये जो तीन डंडा तुमने दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम त्रिबंध। दो डंडा जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोलेंगे हम डबल बॉन्ड, द्विबंध। और इसको बोलेंगे हम सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। तो आप लोग इनको ठीक से ध्यान में रखोगे, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटा, चार होती है। जब कार्बन परमाणु की संयोजकता चार है और अगर ये एकल बंध से दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है तो ये वाली जो बंध है ये इन दोनों की सामलात संयोजकता होती है। ये जो संयोजकता है, ये बंध की जो संयोजकता है दोनों कार्बन के बीच में, ये इन दोनों के सामलात की संयोजकता होती है। अब इसमें इस संयोजकता को आप इसके लिए भी गिनोगे और इसके लिए भी गिनोगे, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बनता है बेटा। कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध जो बनते हैं बच्चों, नौवीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। सहसंयोजक बंधों के अंदर क्या होता है कि दो परमाणु होंगे और दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं बेटा, साझा करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। दो विभिन्न प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, वो समान तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भी सहसंयोजक बंध बना सकते हैं और समान तत्वों के परमाणु भी सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सहसंयोजक बंध जब बना यहाँ पर, तो देखो कार्बन परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में ये साझा कर लिया, ये साझा कर लिया, तो इसको ही हमने यहाँ पर बंध के रूप में दिखा दिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की ये जो साझेदारी है इसको ही हम किसके रूप में दिखाते हैं बेटा, बंध के रूप में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर एकल बंध बनाया है तो यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पर। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को मतलब युग्म माने जोड़ा होता है ना, और जोड़ा में कै कोए दो, तो इन दोनों परमाणु के बीच में जो ये बंध बने हुए हैं या में साचो कितने इलेक्ट्रॉनों को हुए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का हुआ है, यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का हुआ है। अगर यहाँ पर द्वई बंध बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स का साझा हुआ है वो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है। कितने हैं बच्चों? दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि एक बंध के लिए तो एक जोड़ी और दो बंध के लिए दो जोड़ी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर कार्बन परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन इधर काम आ गए बेटा, और यह कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन इधर काम आ गए, और एक कार्बन के डेंगे हाथ कितने के टोटल? चार। अब चारन में तो दो तो इतको आ गए, अब कितने बचे आपके पास? दो ही तो बचे। अब ये दो ही बंध तो बनाएगा इधर और इधर, दो ही तो बनाएगा भाई। इधर कोई और तत्व आ जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, इधर कोई और तत्व आ जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, तो दो बंध बना देगा, और बाकी के दोनों बंध कहाँ आ जाएंगे? दोनों कार्बन परमाणु के बीच में। ठीक ऐसे ही हम त्रिबंध की बात करें तो तीन त्रिबंध के काजे हम तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं। त्रिबंध में हम कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं? तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं। अब देखो इस कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, अब कितने बचे हुए? आगे एक इलेक्ट्रॉन बचा, उस इलेक्ट्रॉन को इधर लिख दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा उसको इधर लिख दिया। ये इधर बंध बना सकता है, ये इधर बंध बना सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। किसी भी एनी हाउ कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो चार से ना तो ज़्यादा हो सकती ना ही कम हो सकती। इस बात का हमको विशेष ख्याल रखना है। समझ में आ गई बात कि किस तरह से ये बंध बना सकता है कार्बन परमाणु? तो एक तो ये विशेषता थी बेटा इसकी, और एक इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाली विशेषता है लास्ट वाली, उसको भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। और देखो ये बंध का सिस्टम भी आपको समझ में आ जाएगा उसी के अंदर, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाली वो है विशेषता, उसमें क्या है? उसमें ये बताया गया है कि कार्बन परमाणु जो है वो किसके साथ संयोग करता है? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो कैसे यौगिक का निर्माण करता है? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करता है, जिनको मैंने एच सी से दर्शाया था, है ना। कैसे यौगिक बनेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक, उनको मैंने एच सी से दर्शाया था। अब ज़्यादातर जो कार्बन परमाणु है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर ही अधिकांशतः यौगिकों का निर्माण क्यों करता है? भाई कार्बनिक जो यौगिक हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन है, और ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन होने का कारण है बेटा एक, क्या कारण है? कि कार्बन परमाणु जो होता है इसकी विद्युत ऋणता और हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो कैसी होती हैं? समान होती हैं लगभग। इन दोनों की विद्युत ऋणताएँ लगभग कैसी हैं? समान। अब समान विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता को बेटा आपको पिछले चैप्टर से ध्यान में रखना चाहिए। विद्युत ऋणता क्या होती है? कि भाई दो असमान परमाणु हैं, जैसे ये दो असमान परमाणु हैं, दो असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला जो बंध है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने हो नहीं बंध, या तो क्या कहेंगे हम सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। अब इन तत्वन में से जौन सो या इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर ज्यादा जोड़ते खींच लेगो वाकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। जैसे देखो या ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है इनको किस तरह से दर्शाते हैं? हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसका मतलब क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, अपनी ओर खींच लिए, तो इधर इलेक्ट्रॉन का जो अभ्र है वो बड़ा हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन का अभ्र छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इनकी विद्युत ऋणता समान होती तो ये अभ्र इलेक्ट्रॉन को ऐसे रहते, वितरण कैसे रहते, ऐसे रहते, समान रहते कि नहीं रहते। यहाँ पर आप ये मत सोच लेना कि बंध टूट गया हो, बंध नहीं टूटा है, सिर्फ बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, ठीक है ना। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ता है, आकर्षित कर लिया है इसको, ठीक है। और आकर्षित करने का जो गुण है वही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। अब बाई की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ना तो जोड़ते ही हाइड्रोजन खींच पावे ना जोर से
ये खींच पाता। लगभग ये इलेक्ट्रॉन युग्म स्टेबल कंडीशन में रहता है, यानी कि स्थायी व्यवस्था में रहता है, और ये सहसंयोजक बंध इनका स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अब सहसंयोजक बंध जब इनका ये स्थायी होता है हो जाता है तो ये बंध मजबूत हो जाएगा, और बंध मजबूत है तो यौगिक भी कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अगर बंध तुम्हारा आसानी से टूट हो तो वो यौगिक स्थायी नहीं होता है, और ये बंध अगर मजबूत है टूटता नहीं है तो ये यौगिक कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ अधिकांश हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाने का जो मुख्य कारण है वो क्या आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, लगभग समान होती हैं, और इसीलिए अधिकांश मात्रा में ये कैसे यौगिकों का निर्माण करता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करता है। तो देखो अब देखो मैं हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करता है, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिकों का उदाहरण लेता हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि वो किस तरह से अपना स्थायित्व ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक चीज और ध्यान रखो, कोई भी तत्व स्थायी कब होता है, तत्व का स्थायीकरण कब होगा, जब तत्व का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अष्टक कैसे हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। कोई भी तत्व स्थायी कब होता है, जब उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। और बेटा अष्टक का मतलब क्या होता है कि बाहरी जो कक्षक है, बाहरी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने कह जानी चाहिए, आठ है जानी चाहिए, कितने हो जानी चाहिए, आठ हो जानी चाहिए। अगर बाहर के कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ है गई तो वो तत्व स्थायी होता है, क्योंकि बोर और बरी के नियमानुसार ये बात कही गई है कि कोई भी तत्व के बाह्य कोष में अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप 2n स्क्वायर के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो बच्चों आप यही तो लिख के लाते हो, अगर ये स्थिति है तो ये तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है, ठीक है ना। और अगर भाईतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, भारी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, तो बात क्या है, द्विक, द्विक को पूर्ण करना। कोई भी तत्व बाहरी कक्षक में देखो या तो दो रह सकें या आठ रह सकें, जब तो कक्षक स्थायी हो, जब तो वो तत्व स्थायी हो। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर की कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, अब यह हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, या को तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन जाते या को ई द्विक पूर्ण हुए, अगर दो या के कक्षक में है जाएंगे तो स्थायी रह सके, तो ई एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो इसके पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और दो इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि ये विन्यास किसका है, हीलियम का है। किसका है बेटा, हीलियम का, क्योंकि हीलियम को परमाणु क्रमांक दो है, और किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है ना। और हीलियम ये कहाँ में, 18वें वर्ग के तत्व हैं, और 18वें वर्ग के तत्व कौन से हैं, हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी, ये हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन, ये 18वें वर्ग के तत्व हैं। इनकी संयोजकता कैसी रे बेटा बताओ, जीरो। क्यों रे जीरो, क्योंकि ना तो ये तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें ना ये तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागें, इसलिए इनकी संयोजकता जीरो होती है। अब इनकी संयोजकता जीरो तो इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्थिति कहाँ होगी, इनके बाहर को कक्षक को जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है बाको अष्टक कहाँ रहे वो, पूर्ण रहे वो। अगर अष्टक पूर्ण है तो ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, और जब तक कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसकी संयोजकता नहीं आती है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक संयोजकता आती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक संयोजकता आती है, इस बात को आप जानते हो, ठीक है ना। तो देखो दोबारा से लौटो कि हाइड्रोजन के अपने भाईतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये अपना द्विक को पूर्ण करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हो गए तो इस हाइड्रोजन ने किसका विन्यास ग्रहण कर लिया, हीलियम का, और हीलियम एक अक्रिय गैस है जो स्थायी होती है। तो जैसे ये अक्रिय गैस का विन्यास ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन तुरंत ही क्या ऐसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब कार्बन की बात करें हम, कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन बेटा, छः टोटल, और विन्यास कहा जाएगा दो चार,
दो चार है ना, तो कार्बन के बाहर के कक्षक में चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, और चार इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तब आके डिंग के तरह जाएंगे, टोटल बाहर के कक्षक में आठ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो देखो बाहर के कक्षक में आठ है क्या, और भीतर के हम पहले थे कितने गए, दो, तो आठ और दो कितने गए बताओ, दस इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दस इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास हो जाते हैं तो ये किसका विन्यास ग्रहण कर लेता है बताओ, दस नंबर कौन को है, नियोन का भाई, दस परमाणु क्रमांक किसका है, नियोन का, और नियोन का जो विन्यास होगा वो कैसे होगा, दो आठ, और यहाँ कार्बन को विन्यास कैसा हो बेटा, दो आठ, दोनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है गो, तो ई अगर स्थाई है सके दो आठ पे, तो ये कार्बन दो आठ पे स्थाई ना है सकेगा, ये भी तो स्थाई हो जाएगा कार्बन भी तो दो आठ पर। अब ये अगर स्थाई हो गया तो इसका इन ये कार्बन स्थाई हो गया इधर, तो इधर हाइड्रोजन स्थाई हो गया। अब दोनों अगर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी थे या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान थे स्थाई है गए, तो इनसे बनने वाले यौगिक भी कैसे होंगे, स्थाई होंगे कि नहीं होंगे। और कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताएँ चूंकि समान होती हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इनके बीच में जो बंध बनता है उसको बोलते हैं बेटा हम सहसंयोजक बंध। तो इस बात को अगर आप समझ जाते हो तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कार्बन परमाणु किसके साथ कैसा बंध बना रहा है, ये ठीक से समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखो मैं इसी के आधार पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बना रहा हूं बेटा, जैसे देखो मैथेन के, मैथेन का सूत्र क्या होता है बेटा, CH4, और अगर इसका संरचना सूत्र में बनाऊं तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, चार, और अब इसी की मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाऊं, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को मतलब है कि तुम इनमें प्रदर्शित करो कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कार्बन परमाणु, कार्बन के परमाणु के बाह्यतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन है, मैंने चार प्रदर्शित कर दिए। आगे कार्बन के, कार्बन के चारों ओर एक एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन आ गो, ये वाला हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का। अब आपको क्या करना है, कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, आठ, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने करने हैं, दो। तो बेटा यहाँ ऐसे गोला खींचो कि कार्बन के गोला में तो आठ है जाएं, गिन लो आठ है गे, तो कार्बन को अष्टक पूरा है गो, हाइड्रोजन के गोला में दो है जाएं तो ये कार्बन को द्विक पूरा है गो। बात समझ में आ गई कि ना आई, कार्बन के और हाइड्रोजन के द्विक और अष्टक पूर्ण है गे। अब द्विक और अष्टक पूर्ण अगर इनके है गे तो इनते जो यौगिक बनेंगे वो स्थाई बनेंगे कि ना बनेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एकल बंध की बात है कही। अब मैं द्विबंध को उदाहरण लूँ, द्विबंध में उदाहरण ले रहा हूँ मैं एथीन को, एथीन का सूत्र होता है बेटा C2H4, और संरचना सूत्र बने हुए आगो, दो बंध बनेंगे कार्बन के बीच में और दो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएंगे। गिन के देख लो, कार्बन की संयोजकता हर स्थिति में चार है, दो तो इत को आगे और दो इत को आगे, या कि दो ये और दो ये, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, दो कार्बन परमाणु जमा दो तुरंत ही, दो ही बंद है तो कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म को लिखना है, दो जोड़ी, समझ में आ गई होगी बात। तो इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन तो ये लिख दिए तुमने, और एक इलेक्ट्रॉन यू को लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यू को लिख दो, या कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन तो ये लिख दिए, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दई, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दई, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आपको दोनों कार्बन परमाणु स्थाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों उनके कक्षक में आठ आठ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, या गौर से देखो, देखो या कार्बन के आठ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ मैं, गिन लीजू, गिनो, काउंट करिए, हो गए आठ। अब इस कार्बन परमाणु के आठ इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं हम, है गया आठ, या गोला में देखो है गया ना। अब ये दोनों के साझे में आ गए ना, दोनों दोनों के साझे में आ गए, दोनों के साझे में ये बन रहा बंद, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है गए ना दोनों के,
ये इलेक्ट्रॉन याऊ के काम आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन याऊ के काम आ रहे हैं, तो साझिका हो गया, साझे के इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि दोनों उनकी हिस्सेदारी बराबर की है, पार्टनरशिप बराबर की है, पार्टनरशिप बराबर की है, तो याई के हमारे ये जो बंध बनेगा याद करेंगे हम सहसंयोजक बंध। अब ऐसे हाइड्रोजन को द्विक पूरा कर दो कि द्विक है, ठीक है। ऐसे में एक त्रिबंध वाले को बनाऊं और त्रिबंध वाले को नाम ले लूं मैं एथाइन, या तो बच्चों हम कहते हैं एसिटिलीन, एथाइन को दूसरा नाम है एसिटिलीन, ठीक है ना। और इसका अणुसूत्र होता है C2H2 और संरचना सूत्र हो गया आपको C(CCC) एक हाइड्रोजन या तो जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन या तो जुड़ जाएगा। अब या के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ तुम, तो दो कार्बन लिख दो, दोनों कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म नोट करने हैं आपके, तुमने है गए तीन जोड़ी, या कार्बन के तीन तो इतको लिख गए, या कार्बन के तीन इतको लिख गए, तो चौथा एक ही तो बचो या कटिंग ई बच को और या को ई बच को, या ने हाइड्रोजन से संयोग कर लियो, या ने हाइड्रोजन से संयोग कर लियो। अब या के आठ करो, देखो है गए आठ, फिर या के आठ करो, हो गए आठ, हाइड्रोजन के दो करो, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बन जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होंगी कि किस तरह से कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक बंध बनाता है और सहसंयोजक बंध बनाकर ये किस तरह से स्थायी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ जाएं अपने टॉपिक पे। अब देखो आपको रूढ़ पद्धति के बारे में बता रहा हूँ मैं, रूढ़ पद्धति को एक छोटा सा पोर्शन रखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय में बता रहा हूँ बेटा, तो आप इसको लिखेंगे रूढ़ पद्धति में, जाय मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो रूढ़ पद्धति में असाखित यौगिकों को, रूढ़ पद्धति में जो असाखित यौगिक रहेंगे, असाखित यौगिकों को नॉर्मल यौगिक बोलते हैं, नॉर्मल जिसको आप स्मॉल एन से दर्शाओगे, ठीक है। ऐसा के तो हाइड्रोकार्बन यौगिक कह सकें चाहे यौगिक कह दो, एक ही बात है। अब देखो साहब नॉर्मल यौगिक कैसे कह सकें हम इनसे, जैसे मैं यहां पे लिख दूं पेंटेन, ठीक है ना। तो बेटा इसका सूत्र बनेगा CH2 CH3 CH2 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 CH3, तो यह लिखेंगे तुम नॉर्मल पेंटेन असाखित है, इसलिए इसको क्या लिखोगे आप, खाली पेंटेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि रूढ़ पद्धति में लिख रहे हो तुम असाखित है, इसलिए इसको नॉर्मल शब्द से प्रदर्शित करोगे, ठीक है ना। और एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट, यदि एक कार्बन परमाणु के साथ तीन कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, तो रूढ़ पद्धति में उसे आइसो से दर्शाते हैं, मतलब आइसो शब्द से दर्शाते हैं अगर तुम नाम लिखेंगे तो। अब देखो मैं यहाँ को उदाहरण लिखूं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, चार कार्बन है, इसको बोलेंगे बच्चों हम
नॉर्मल ब्यूटेन, ऐसा कहता है तो नॉर्मल ब्यूटेन लिखनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ में मैं एक कार्बन से तीन कार्बन अन्य जोड़ दूँ, जैसे देखो सी CH3, ठीक है CH CH3, अब वो तो चाह रही हैं टोटल हम यहाँ चाह रही हैं टोटल हम हते के ना है, पर या कार्बन ते तीन ना जुड़ रहेगा, एक दो तीन, तो या ते का बोलेंगे हम आइसो शब्द लगाना पड़ेगा, या का जो तुमने का लगाना पड़ेगा आइसो, ऐसा आखित को तो का लगा दियो नॉर्मल, और ऐसी स्थिति आई तो कौन शब्द लगाना पड़ेगा आइसो ब्यूटेन। समझ गए भैया, आइसो ब्यूटेन, ठीक है ना। इसी तरह से मैं और उदाहरण लिख दूँ, जैसे CH3 CH2 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 CH3, या तो बोलेंगे बेटाओं का नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना, ऐसा आखित है। अब या को हमने आइसो बनानो है, आइसो पेंटेन बनानो है, तो आइसो पेंटेन बनावे को क्या करेंगे, एक कार्बन ते तीन कार्बन परमाणु ने जोड़ दो, जुड़ के तीन कार्बन परमाणु, एक दो तीन चार, और ई है गो या को पांचो है गो ना है गो बताओ, ठीक है ना। तो या ते का बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे आप आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। तो रूढ़ पद्धति की साखित स्थिति है, अगर साखित हाइड्रोकार्बन यौगिक रूढ़ पद्धति में आपको इस तरह से मिलता है, साखित यौगिक को असाखित के कार्य तो नॉर्मल शब्द लगा दो सीधे सीधे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर कोई यौगिक साखित है और शाखाएं उसकी किस तरह से हैं कि एक कार्बन से तीन जुड़ रहे हुए, तो वह जगह पर तुमने कौन से शब्द को उपयोग करना है, आइसो शब्द को, और उसका जो भी नाम है वो नाम लिख दो। जैसे पांच है तो पेंटेन, चार है तो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन है वो, ठीक है। अब यहां में एक स्थिति और है बेटा, आप लोग इनको फटाफट से नोट करो, एक कंडीशन और नोट करनी है हमने इसी रूढ़ पद्धति की, और वो स्थिति क्या है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में एक कार्बन परमाणु के साथ चार कार्बन परमाणु जुड़े हैं, तो रूढ़ पद्धति में ऐसे साखित यौगिकों को नियो शब्द से दर्शाते हैं, नियो शब्द उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ लियो, लाइन में का लिखे हो मैंने, हाइड्रोकार्बन यौगिक है और एक कार्बन परमाणु से चार जुड़ रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात, एक कार्बन परमाणु से कितने जुड़ रहे हैं, चार जुड़ रहे हैं। अगर चार कार्बन जुड़ रहे हैं तो रूढ़ पद्धति के अनुसार ऐसे साखित यौगिक को कैसा शब्द का उच्चारण करोगे, नियो शब्द से। तो देखो उदाहरण बताऊं, जैसे देखो मैंने यहाँ लिख दी बेटा CH3
CH2, 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 CH3 पांच है क्या? या तो बोलेंगे तुम नॉर्मल पेंटिंग, समझ गए? एक नंबर बात। दो नंबर बात का है, दो नंबर बात ये मेरी कि एक कार्बन से अगर तीन जुड़ रहे हैं तो बातें बोलेंगे तुम कहा आइसो, तो या को नाम है जाओ का आइसो पेंटेन। और मेरी तीसरी नंबर जो बात का है, अगर एक कार्बन परमाणु ते चार कार्बन परमाणु जुड़ रहे हुए तो उसको क्या बोलोगे आप? नियो पेंटेन। समझ के बात है? गिन लो, एक ते चार जुड़ रहे हैं। और एक बात और बताऊं तुमको, तीन नाम दिए मैंने और सूत्र एक ही है। तीनों सूत्रन में पेंटेन को अणु सूत्र C5H12 कोई से भी चेक कर लीजो, कार्बन तो पांच ही मिलेंगे और हाइड्रोजन मिलेंगी तुमको कितने? एक बारह। तीनों में तो चेक कर लियो, और संरचना तीनों की अलग अलग है। संरचना का है तीनों की अलग अलग है। तो बेटाओ इनको नाम एक और बता रहा हूं मैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं उपरोक्त एक दो तीन तीनों सूत्र पेंटेन के संरचनात्मक, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तीनों सूत्र का कहलाएंगे? पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी। अब यहां एक प्रश्न पूछ लियो जाए कि पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी बन सकते हैं, तो बताओ कितने बना सके तुम? पेंटेन को अणु सूत्र तो एक ही है, हीरो सूत्र कैक तरीका लिख सके हैं, एक दो तीन तरीका थे, तो पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी हो गए? तीन। समझ के बात है? इस तरह से हम संरचनात्मक समावयवी को भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब इसमें मैं आगे, ये रूढ़ पद्धति तो यहाँ पे समाप्त हो गई है और आगे आपके पास पद्धति चलेगी व्युत्पन्न पद्धति। तो बेटा व्युत्पन्न पद्धति को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को मैं इसी जगह पर रोक रहा हूँ, ठीक है ना? और अगले वीडियो में आपको हम व्युत्पन्न पद्धति के बारे में समझाएंगे। लेकिन इस पद्धति के जो नाम और सूत्र आपको दिए गए हैं उनको जरूर अच्छे ढंग से चेक करना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे बताना कि आप लोग क्लियर हो कि नहीं हो, आपकी समझ में पूरी चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट्स जरूर करे करो। ओके।